वेलकम टू मेट मोटर हिंदी, मैं हूं आफ्ताब। MT15 वर्जन 2.0 को इंडियन मार्केट में लॉन्च होने के बाद से अभी भी कस्टमर के अंदर काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी है, क्योंकि कस्टमर का जैसे इस बाइक से एक्सपेक्टेशन था जिस फीचर्स को लेकर के, वो फीचर्स कंपनी ने इस गाड़ी में दिया ही नहीं, या फिर यूँ बोले तो देना ही भूल गया। अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस गाड़ी का थर्ड जनरेशन कब तक हमारे बीच में लॉन्च होगा और उसमें क्या क्या अपडेट देखने को मिलेगा, उसका प्राइसिंग क्या होगा और उस वेरिएंट के लिए हमें और कितना ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। MT15 150cc स्पोर्ट्स नेकेड सेगमेंट का एक पावरफुल मशीन है। इस गाड़ी का टक्कर इस सेगमेंट में कोई भी गाड़ी नहीं दे सकता है। आप सोच रहे होंगे कि भाई अभी जस्ट 2022 के स्टार्टिंग में इस गाड़ी का सेकंड जनरेशन लॉन्च हुआ, तो इतना जल्दी इसका थर्ड जनरेशन कैसे लॉन्च हो जाएगा? तो मैं बताना चाहता हूं कि इस गाड़ी का थर्ड जनरेशन अभी लॉन्च नहीं हो रहा है, यानी 2022 में इस गाड़ी का थर्ड जनरेशन लॉन्च नहीं होगा, 2023 में लॉन्च होगा। लेकिन बहुत सारा डिटेल्स रिवील हो गया है जिसके बेसिस पे मैं आपको बताऊँगा कि इस गाड़ी में हमें क्या कुछ मिल सकता है। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम कस्टमर का था इसके ब्रेकिंग सिस्टम को लेकर के, कि इस गाड़ी में सिंगल चैनल ABS मिल रहा है, डुअल चैनल ABS नहीं मिल रहा है। तो कंपनी दोस्तों यहां पे उस चीज़ को अपडेट कर देगी और इस गाड़ी में आपको अपकमिंग जो MT15 वर्जन 3 होगा उस गाड़ी में आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे बजाज ने N160 में डुअल चैनल ABS दे करके एक बेंचमार्क रजिस्टर्ड कर दिया है कि कंपनी को भाई अब 150-160cc के गाड़ियों में भी डुअल चैनल ABS देना चाहिए। तो यहाँ पे अपकमिंग MT15 वर्जन 3 में आपको ज़रूर डुअल चैनल ABS देखने को मिलेगा। दूसरा जो अपडेट था दोस्तों इसके सीट को लेकर के, तो इसका जो सीट है उसको भी, सीट का जो लेंथ है उसको भी कंपनी बढ़ाएगी। यहाँ पे इसका जो चेचिस है, क्योंकि चेचिस के ऊपर ही बेस्ट है सीट, तो इसके चेचिस में भी कंपनी कस्टमाइजेशन करेगा, चेचिस को थोड़ा सा बढ़ाएगा। चेचिस बढ़ेगा तो सीट का लंबाई भी यहाँ पर कंपनी बढ़ा देगा। इसके अलावा दोस्तों इस गाड़ी में आपको 5 इंच का TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलेगा। जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूं कि MT25 यानी 125 एंड MT07 का जो न्यू जनरेशन है वो इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च हो गया है। उस गाड़ी में 5 इंच का कलरफुल TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया गया है कंपनी की तरफ से, तो इसलिए हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अपकमिंग MT15 वर्जन 3 में हमें 5 इंच का TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलेगा। इसके अलावा इस गाड़ी में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, इस गाड़ी में आपको अब ट्रैक्शन कंट्रोल भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये सारी जो फीचर्स मैं आपको बताया है ये अब आपको अपकमिंग MT15 वर्जन 3 में देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर टोटल नंबर ऑफ फीचर्स अपडेट के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे 4 सबसे बड़ी बदलाव इस गाड़ी में किया जाएगा। पहला, आपको डुअल चैनल ABS मिलेगा। सेकंड, इस गाड़ी के सीट के लंबाई को बढ़ाया जाएगा। थर्ड, इस गाड़ी में आपको 5 इंच का कलरफुल इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलेगा। और फोर्थ, इस गाड़ी में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी देखने को मिलेगा। ये सारे फीचर्स ऐड होने के बाद से इस गाड़ी का प्राइस भी बढ़ेगा। अभी करेंटली में MT15 का प्राइस है 164,00,064 रुपीस। जब ये फीचर्स ऐड होगा और जब इस गाड़ी का न्यू जनरेशन लॉन्च होगा तो इस गाड़ी का प्राइस ऑलमोस्ट 1.72-1.75 लाख रुपीस हो जाएगा। बाकी के इस गाड़ी में जो फीचर्स है वो बिल्कुल सेम रहने वाला है और आई थिंक इसके अलावा इस गाड़ी में और किसी फीचर्स की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जो जितना चाहिए उतना इस गाड़ी में है। ऑलरेडी आपको इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलता है, LED बैक लाइट, LED हेड लाइट, LED DRL, हैलोजन टर्न इंडिकेटर एंड फ्रंट में आपको USD फॉक्स सस्पेंशन भी मिल रहा है। तो ओवरऑल ये गाड़ी एक ऑलरेडी फीचर्स लोडेड गाड़ी है। जो चीज़ का इस गाड़ी में कमी था वो आने वाले थर्ड जनरेशन में पूरा हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अभी भी आपका कोई डाउट है, कोई सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट लगाइए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद दोस्तों। MT15 वर्जन 2.0 का डिटेल रिव्यू मैं अपने चैनल पर किया हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो जा करके देख सकते हैं।